जी हाँ, ज्ञान गापी की एक वजू खाने की शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर सुनवाई टल गई है। अब 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी। जिला जज डॉक्टर ए विश्वेश की कोर्ट ने कहा है, क्या कहा है हम आपको बताते हैं। कोर्ट ने कहा है कि बादी पांच महिलाएं एकमत होकर बताएं कि ज्ञान गापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की किस वैज्ञानिक पद्धति से जांच हो। इस पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के आपत्ति दाखिल की है। कमेटी ने कहा है कि हमें वादी पक्ष की मांग पर आपत्ति है, उसके लिए हमें और समय दिया जाए। इसके अलावा क्या कहा, इसके अलावा कोर्ट ने वादी हिंदू पक्ष से दो बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। पहला, क्या कथित शिवलिंग की संरचना इस मुद्दे की संपत्ति का हिस्सा है या फिर नहीं। दूसरा, क्या कोर्ट वैज्ञानिक जांच के लिए आयोग जारी कर सकता है। इसके साथ साथ ज्ञान गापी मस्जिद के वजू खाने में पत्थर की यह ठोस संरचना मिली, इसे लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यह आदि विश्वेश्वर का प्राचीन शिवलिंग है। वहीं पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह खराब पड़ा हुआ पुराना फब्बारा है। तो वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर का क्या कुछ कहना है, इसे हम चाहते हैं ऑर्डर पास करने से पहले कुछ क्वेरीज है हमारी, उस क्वेरीज को आप सॉल्व कर दीजिए, उस पर अपना क्लेरिफिकेशन दे दीजिए। और कोर्ट की दो क्वेरी थी, पहला कि जो शिवलिंग वहाँ पे बरामद हुआ है 16 मई को कमीशन की कार्रवाई के दौरान, क्या वो इस केस प्रॉपर्टी का पार्ट है कि नहीं है, और दूसरा क्या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट कमीशन जारी कर सकता है जिसमें कार्बन डेटिंग और बाकी प्रक्रिया अडॉप्ट की जा सकती है। इस पे हमने दो बातें रखी है। पहली बात, हमने अपनी सूट के प्रेयर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवता की पूजा का अधिकार मांगा था, तो जो शिवलिंग वजू खाने में था, जो दबा हुआ था पानी के नीचे, जब पानी हटा तो वो अप्रत्यक्ष देवता प्रत्यक्ष देवता हो गए, इसलिए वो हमारी सूट प्रॉपर्टी का पार्ट है। दूसरी बात, हमने कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया सीपीसी की ऑर्डर 26 रूल 10 ए की तरफ, जहां पे कोर्ट को यह पावर है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन जारी कर सकता है। हमने ये भी बताया कि मुस्लिम पक्ष ने ऑन एफिडेविट कहा है कि ये फाउंटेन है और वो ये चाहता है कि ये फाउंटेन है कि शिवलिंग है, ये एडजुडिकेट हो, तो इसको एडजुडिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जांच कराई जाए। तो ये बात थी हिंदू पक्ष के वकील की, लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकील तौहीद खान ने क्या कहा वो भी सुनते हैं। इसलिए मांगा समय कि आज बहस का कोई औचित्य नहीं था। जैन साहब ने बहस शुरू की, इसलिए हम लोगों ने कहा कि अगर ये बहस कर रहे हैं तो फिर हम भी बहस इनके बहस का जवाब देंगे। सर्वे या कुछ भी हो, ये तो प्रोविजन है कि सर्वे हो सकता है, लेकिन जिस चीज का डिस्प्यूट हो, उसी चीज का जो मुकदमे में जिस चीज का डिस्प्यूट हो, उसी चीज का ना सर्वे या साइंटिफिक रिपोर्ट आएगी। इसका डिस्प्यूट ही नहीं है इस मुकदमे में, तो इसकी कार्बन डेटिंग या किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। डिस्प्यूट तो माँ सिंगार गौरी के पूजा अर्चना का है, इसका कहाँ डिस्प्यूट है? नहीं, इस केस में डिस्प्यूट है ही नहीं, ये तो डाइवर्ट किया जा रहा है। नहीं, जज साहब को ऑर्डर कर देना चाहिए था। कभी कभी कोर्ट को कोई बातें और समझनी रहती हैं, तो वो ऑर्डर न करके पुनः सुनवाई के लिए लगाया जाता है। उन्होंने लगाया, कुछ और समझना चाह रहे हैं वो। हालांकि वकील साहब का कहना था कि डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन अगर डिस्प्यूट नहीं है तो फिर मामला कोर्ट में क्यों है।